गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माय हॉस्टल रूम एट कंडोली कैंपस। आई नो गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले अपने रूम को शोकेस कर रखा है, बट मैंने सोचा कि एक वीडियो तो अपने रूम को डेडिकेट करना ही चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप ट्रिपल शेयरिंग या फिर डबल शेयरिंग गर्ल्स हॉस्टल में ऑप्ट करते हैं सो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। सो गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, बिकॉज मैं आपको अपना पर्सनल स्पेस दिखाऊंगी कि मैं कैसे रहती हूँ, मैंने कैसे अपनी चीज़ों को रखा हुआ है। और आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हॉस्टल में इनरोल करते हो तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि हॉस्टल में क्या क्या आपको अवेलेबल है और क्या क्या आपको लेकर आना है। वो जो सामने रूम है उसके बगल में लिफ्ट है, सो जब आप लिफ्ट से लेफ्ट लेंगे तो पहला रूम मेरा है जो कि है 401। सो इस फ्लोर में जो फर्स्ट रूम है वो मेरा है। दिस इज़ द मेन स्विच, इसको आप ऑन करोगे तो आपकी सारी लाइट जो भी आपने अंदर ऑन किया है अपने रूम में वो ऑन हो जाएगा, और अगर बंद करके जाओगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। सो अभी मैंने ये ऑफ कर रखा था तो अब मैं इसको ऑन करती हूँ। सो ये रही मेरी हॉस्टल कीज़। सो ये जो कीज़ है ये मेरे इस डोर का कीज़ है। सो लॉक के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे कोई कुंडी एंड ऑल नहीं है कि आप लॉक कर सको। सो कीज़ की ही मदद से आप लॉक कर सकते हो और अनलॉक कर सकते हो। सो अब मैं अपना डोर खोल रही हूँ। सो यू कैन सी, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ माई हॉस्टल रूम। सो मेरा रूम जो है वो ट्रिपल शेयरिंग है। सो यहाँ पे बेसिकली तीन स्टूडेंट की जगह है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और मुझे सेकेंड बेड अलॉट हुआ है। सो इट मीन्स कि इस रूम में जो भी सेकेंड चीज़ें हैं, जो सेकेंड नंबर पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी हैं। सो अभी मैं अपना डोर क्लोज कर देती हूँ। सो डोर क्लोज़ करने का भी यही एक तरीका है कि आप अपनी कीज़ को इसमें लगा कर ही लॉक कर सकते हो। सो डोर के ऊपर में यहाँ पे आई थिंक वेंटिलेशन के लिए ये एक नेट टाइप बना हुआ है, और ये है पूरा डोर। हम लोग आए थे तो हमें ये हुक्स ऑलरेडी लगे हुए मिले थे, बिकॉज जो हमसे पहले स्टूडेंट रह रहे थे उन्होंने लगाया था। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपना बाथरोब हैंग करने के लिए और अपना फेस टॉवल, बिकॉज इनकी नीड मुझे रेगुलर बेसिस पे पड़ती है। अभी क्या है कि इस रूम में सिर्फ मैं हूँ, सो ये पूरा रूम मेरा है। इस रूम में मैं अकेली हूँ तो ये पूरा रूम मेरा है। सो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर रखा है, डेकोरेट कर रखा है और सारी चीज़ें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। सो ये जो साइड टेबल है इसको मैंने अपने टॉयलेटरीज वाले स्टफ को रखने के लिए यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे मेरा ये लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा डिटर्जेंट, ये हैंड वॉश, अम्ब्रेला, शैम्पू, और ये मेरा बकेट है, इसमें मेरे सोप, फेस वॉश, टूथब्रश वगैरह सब रखे हैं। बिकॉज ये जो सामान है ये मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसको मैंने यहाँ रखा है। और उसके जस्ट बगल में ये मेरा बेड है। सो गाइस, इस बेडशीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी। गाइस, ये बेडशीट मुझे इतनी पसंद है, ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है इसलिए मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद है। ये बहुत ही क्यूट बेडशीट है, इसमें पिलो कवर भी है, और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये मेरा पांडा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ये हमेशा मेरे आसपास होता है, तो मेरी वीडियो कैसी बन रही है उसका रिव्यू ये देता है। सो ही इज़ ऑलवेज देयर। सो ये है मेरी बेडशीट जो कि मैं खुद लेकर आई हूँ। सो गाइस, मैट्रेस आपको मिलेगी बट आपको बेडशीट और पिलो खुद लाना होगा। और इसके सामने ही ये वॉल है जिसको मैंने डेकोरेट कर रखा है। की भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मेंशन कर दूंगी। सो प्लीज़ आप ज़रूर देखना कि मैंने कैसे ये सब डेकोरेट किया। ये मेरा पर्सनल ट्यूबलाइट है। बेड के बगल में ये मेरा साइड टेबल है जिस पे मैंने ये हुक्स लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं अपने रूम की कीज़ को हैंग करती हूँ, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शोकेस के लिए ये लैम्प रखा है। ये मेरा कैलेंडर है जो कि मेरे
प्लानर के साथ मुझे मिला था, और ये एक पेपर वेट है जिसको मैं ऐसे शोकेस के लिए यूज़ करती हूँ, और ये बलून है जो मेरे बर्थडे पे मुझे मिला था, सो मैंने इसको अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। और गाइस ये जो एरिया है ना, यहाँ पर मैंने अपने जो नॉवेल्स मैं पढ़ रही हूँ वो मैंने रखे हुए हैं, जिसमें से मैंने ये दो नॉवल पढ़ लिए हैं। ये अभी मैं पढ़ रही हूँ और ये मैं बाद में पढ़ूंगी। और ये मेरा प्लानर है और ये यूट्यूब नोटबुक है जिसमें मैं अपने आइडियाज़ वगैरह लिखती हूँ। और यहाँ पर मेरे एयरपॉड्स भी हैं, मेरा चार्जर और ये टिश्यू पेपर, और यहाँ पर मेरे रेगुलर यूज़ वाले सारे स्लीपर्स रखे हुए हैं और फ्लैट्स, और ये मेरे पर्सनल चार्जिंग पॉइंट एंड मेरी पर्सनल लाइट की स्विच है। और इसके जस्ट बगल में मेरा ये डोर मैट है जो कि मैं विशाल मेगा मार्ट से लिया था, नंदा की चौकी के यहाँ जो विशाल मेगा मार्ट है ना, मैंने वहीं से ये डोर मैट लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही एस्थेटिक लगता है मुझे बहुत। दिस इज़ माई कबर्ड, ये जो सेकेंड नंबर का कबर्ड है ये मेरा है, बिकॉज मुझे सेकेंड बेड अलॉट हुआ है तो सेकेंड कबर्ड भी मेरा है। यहाँ पर मैंने ये मसूरी का मैग्नेट लगा रखा है, जब मैं मसूरी गई थी तो मैं ये खरीद कर लाई थी। ये जो कीज़ हैं इसमें, ये जो की है ये आपकी कबर्ड की है, सो अगर आप इसको इसको खोलोगे तो आपका ये कबर्ड खुल जाएगा। सो गाइस दिस इज़ माई कवर्ड जो कि सामान से पूरा फुल है, ऑलमोस्ट फुल है। सो गाइस ये कवर्ड आपको मिलेगा अगर आप ट्रिपल शेयरिंग या डबल शेयरिंग लोगे। सो गाइस ये कवर्ड बहुत स्पेशियस है, आप अपना सारा सामान इसमें ईजिली रख सकते हो, बिकॉज आपको कवर्ड में भी स्पेस मिलेगा और जो बेड है बेड के नीचे भी जो कंपार्टमेंट है उसमें भी आपको स्पेस मिलेगा। एक रैक मिलेगा ऊपर, फिर आपको ये बड़ा सा रैक मिलेगा, और यहाँ पे आपको रॉड मिलेगी जिसमें आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हो। जैसे मैंने अपने ये सारे कपड़े हैंग किए हैं, यहाँ पे मेरा स्टॉल है, हेडबैंड्स हैं, और ये मेरा ईयर मफ बेल्ट, और ये मेरा स्टडी टेबल है जिसको अभी मैंने रिसेंटली अपने कबर्ड में शिफ्ट किया है। ये मेरा लैपटॉप बैग है, ये मेरे सारे बॉटम्स हैं, ये मेरे सारे टॉप्स, ये मेरा हेयर स्ट्रेटनर है। और गाइज ये जो हुक है ना, ये इसमें पहले था नहीं, ये मैंने खुद लगाया है। यहाँ पर मैंने अपना ये स्लिंग बैग हैंग किया है जो कि इजी होता है एक्सेस करने के लिए, और इसके बगल में ये जो है ना हुक, ये ऑलरेडी इसमें लगा हुआ था, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अपना एक स्लिंग बैग हैंग कर रखा है। और गाइज उसके बाद आपको ये दो कंपार्टमेंट मिलेंगे, सो एक है आपका लॉकर और एक ये नॉर्मल कंपार्टमेंट है, सो आप यहाँ पे भी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और ये जो लॉकर है ये भी लॉक है, सो जो आपकी कीज़ थी ना उसमें जो थर्ड की है वो इस लॉकर की है, ये जो की है ना ये इस लॉकर की है। और मैंने इसमें अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव और यू कैन से थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह रखी है, सो आप चाहो तो आप अपने इस लॉकर में अपने जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या फिर मनी वगैरह कुछ भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रख सकते हो। सो इसमें भी लॉक है आपको, एंड देन नीचे भी आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें आप अपने और भी चीज़ें रख सकते हैं, मिसलेनियस वगैरह कुछ भी। तो मैंने भी यहाँ पर अपना जो मेरा मिसलेनियस सामान है वो रखा है, ये अमेज़ोन का बॉक्स है, ये मैं पुणे गई थी तो वहाँ से शॉपिंग करके आई थी, तो वो सारा सामान है। इसमें मेरे कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, काफ़ी स्पेशियस है। और मैंने अपने कबर्ड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है। एंड गाइज नाउ यू ऑल आर थिंकिंग कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ दैट्स वाई मैंने अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज कर रखा है। नो गाइस, अगर आप रात के 3 बजे भी मेरे रूम में आओगे ना, आपको मेरा ये कबर्ड ऐसे ही दिखेगा, बिकॉज़ मैं हमेशा अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। अगर वो ख़राब होता है उसको तुरंत मैं सेट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे अपना कबर्ड बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना बहुत पसंद है। सो गाइस मेरा कबर्ड काफ़ी स्पेशियस है, तो मुझे कभी इशू नहीं हुआ सामान रखने का। ये मेरा एक्चुअल स्टडी टेबल है, बट मैं अकेली रह रही हूँ तो ये जो एरिया है इसको मैंने अपना डाइनिंग स्पेस बना रखा है। यहाँ पे क्या है कि मैंने अपना जो भी मेरी खाने से रिलेटेड चीज़ें होती है ना, मैं यहीं करती हूँ। जैसे मुझे अगर कुछ खाना है तो मैं यहीं पे खाती हूँ, या कुछ बनाना होता है लाइक कॉफ़ी और मे बी पानी गर्म करना होता है तो मैं यहीं पे करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा कैटल भी है। ये मेरी वाटर बॉटल है जो कि मुझे UPS से मिली है ओरिएंटेशन के दिन, और मे बी शायद आपको भी मिले अगर आप UPS में इनरोल करते हैं। ये मेरा लंच बॉक्स है, इसमें मेरा कुछ स्नैक्स वगैरह रखा हुआ है। ये बास्केट है जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, और ये मेरे
लंच बॉक्सेस है, इसमें कुछ ना कुछ खाने का सामान रखा हुआ है, वो कॉफ़ी शुगर वगैरह सब कुछ मैंने रख रखा है। सो ये एरिया मेरा डाइनिंग एरिया है। दिस इज माई स्टडी टेबल, बुक शेल्फ, चेयर। सो गाइज, आपको ये चीज़ UPS की तरफ से मिलेगी। जैसे आपको ये बुक शेल्फ मिलेगा, ये डैशबोर्ड मिलेगा, ये स्टडी टेबल मिलेगा, ये चेयर मिलेगी और ये ड्रॉल भी मिलेगा। सो गाइज, मैंने अपने इस एरिया को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, ये जो एरिया यहाँ पे मेरे सारे बैग्स होते हैं, लाइक मेरा बैकपैक, मेरे टोट बैग, और ये जो एरिया यहाँ पे मैंने अपनी सारी नोटबुक्स रखी हैं, बुक्स अब नहीं है बिकॉज़ मैंने सारी बुक्स रिटर्न कर दी है। ये मेरा छोटा सा बैकपैक है तो मैंने इसको भी यहीं पर रख दिया। और गाइस, इस एरिया को ना मैंने अपना मंदिर बना दिया है। सो यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर है, यू कैन सी। और मैं भी को यहाँ पे एक सॉकेट मिलेगा जिसमें एक चार्जिंग पॉइंट है और एक ये लाइट है जो कि आपके स्टडी टेबल की लाइट है। सो गाइस, ये मेरा डैशबोर्ड है। सो यहाँ पर मैंने ऐसे अपना खाने का ऐसे प्लानिंग लिख रखा था तो ऐसे ही लगा हुआ है। और गाइस, ये मेरा टाइम टेबल है जो करेंटली फॉलो हो रहा है। और अब मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो मैंने ये डेट शीट भी लगाई थी। यहाँ पे मैंने सरस्वती माँ की फ़ोटो लगा रखी है और ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने ऐसे रैंडमली लगा रखे हैं। और ये मेरा विज़न बोर्ड है जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस डैशबोर्ड में। ये मेरा पेन स्टैंड है और ये एक छोटा सा स्टैचू है जो कि मैंने ऐसे शो पीस के लिए रख रखा है। सो गाइस, स्टडी टेबल भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे जो एरिया है ये बहुत अच्छा है, आप इस पे आराम से लैपटॉप रख के अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये मेरी चेयर है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसे मैट्रेस टाइप लगा हुआ है तो ये कंफर्टेबल रहेगा। और ये मेरा ड्रॉल है, सो इस पे मेरा कुछ सामान रखा हुआ है जैसे बेसिक कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल केस, आईडी कार्ड, फिर ये मेरा स्पैक्स, स्टिकी नोट्स, पेंस, हॉस्टल आईडी कार्ड। सो ये सब मैंने इसी में रख रखा है। ये जो मेरा एरिया है ना, इसको मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया बना रखा है बिकॉज़ इसके जस्ट बगल में मिरर है। सो यहाँ पर मेरे सारे स्क्रंचीज, कॉम्ब्स, मेरे स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक, लिप बाम, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे कोलैबोरेशन में मिले थे। ये मेरी वॉच है, ये मेरा हेयर ड्रायर है। सो ये जो मेरा एरिया है, ये मेरा ड्रेसिंग एरिया है क्योंकि यहाँ पे सामने ही मिरर है तो मेरे को बहुत ईजी हो जाता है रेडी होना। एंड गाइज, ये मिरर है जो कि इसकी लेंथ अच्छी है, मतलब इसमें आपका आउटफिट अच्छे से दिख जाता है। और इसी इसको भी मैंने डेकोरेट किया था, पर भी जो पहले स्टूडेंट रहते थे उन्होंने हुक्स लगा रखे थे तो यहाँ पर मैंने ये दुपट्टा हैंग कर रखा है। ये मेरा वर्शिप दुपट्टा है, जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं इसी दुपट्टे को यूज़ करती हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर हैंग कर रखा है जिसकी वजह से बहुत ही ईजी हो जाता है। ये जो साइड टेबल है ये थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज़ बाकी दोनों साइड टेबल के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा है। सो मैंने क्या किया है कि अब तो मैं अकेले रह रही हूँ तो ये मेरा ही है। सो मेरे यहाँ पे शूज़, मैंने कुछ शूज़ लिए थे तो वो ऑलरेडी यहाँ रखे हुए हैं इस बॉक्सेस में। ये मेरा योगा मैट है, ये एक बॉक्स है जिसमें मेरे मेडिसिन रखे हैं, ये अभी मैंने सिटी स्कैन कराया था तो उसकी रिपोर्ट है। और यहाँ पर मैंने एक लाइन से अपने सारे शूज़ और फुटवेयर, हील्स वगैरह रखे हैं बिकॉज़ सामने डिस्प्ले में रहता है ना तो ईजी होता है चूज़ करना कि कौन सा पहनना है। और गाइज, ये विंडो है जिसमें यहाँ पे तो नेट लगा हुआ है बट ये जो विंडो है इस साइड में ग्लास है, तो अगर आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आप इस ग्लास को हटा दो और नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे बंद कर दो। और गाइज, ये आपको कर्टन मिलेगा, इसको खोलोगे सो आपको ये बालकनी दिखेगी। सो गाइज़, यहाँ पर पहले हुक्स नहीं लगे थे, अभी ये हुक्स जब हम लोग आए थे तो हमें लगा के दिए। और ये मैंने रोप बांधी है, अगर मैं कभी कपड़े धोती हूँ तो मैं अपने सारे कपड़े यहीं पे सुखाती हूँ। और ये क्लॉथ क्लिप भी मैंने लगा रखा है। सो यहाँ पर ये पूरा कवर हो चुका है बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पसेस, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो फॉरेस्ट और माउंटेन के बीच में है तो यहाँ पे बंदर या फिर कबूतर वगैरह आते रहते हैं, इसीलिए पूरा पैक है। सो आपको यहाँ से ऐसे बेसिकली तो कोई नज़ारा इजीली दिखेगा नहीं, बट ये जो बालकनी है काफ़ी स्पेशियस है। मेरा यहाँ पे एक छोटू सा मनी प्लांट रखा है जो कि अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले तो ये बहुत छोटू सा था और फिर बढ़ भी नहीं रहा था बट अब ये बढ़ रहा है तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। मेरा जो बालकनी है ना, ये सिंगल बालकनी है बट
कुछ रूम्स ऐसे हैं जिसमें दो बालकनी अटैच है, सो वो शेयरिंग वाली बालकनी हो जाती है। बट मेरे जो रूम है इसकी बालकनी सेपरेट बालकनी है, सो कोई क्योस नहीं है। सो गाइज़ आप देख सकते हो कि बालकनी में भी बहुत स्पेस है, अगर आप चाहो तो अपना कोई भी सामान बालकनी में भी रख सकते हो, सो ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये डोर है, सो ये रहा, ये पूरा ग्लास लगा हुआ है। आप यहाँ पे ये बालकनी की लाइट है, सो ये जो स्विच है ये बालकनी से कनेक्ट है, इसको आप ऑन करोगे तो आपकी बालकनी की लाइट ऑन हो जाएगी। तो बालकनी में भी आपको लाइट ऑलरेडी गिवन है। फाइनली मैंने अपना हॉस्टल रूम टूर आपको दे दिया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप कंडोली कैंपस में आते हैं, ट्रिपल शेयरिंग या डबल शेयरिंग रूम के लिए ऑप्ट करते हैं, सो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। एंड गाइज़ यू कांट बिलीव, इस रूम के साथ ना मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। बिकॉज़ मैं जब अपने घर पे रहती थी ना, सो मैं अपने मदर के ही साथ रहती थी, बस मैं रात को अब सोने के लिए अपने रूम में जाती थी। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सब कुछ मेरा पर्सनल है, घर पे भी मेरा पर्सनल था, बट उस वक्त पेरेंट्स जब आपके आसपास रहते हैं तो आप उन्हीं के पास रहते हो, अपने रूम में नहीं रहते। बट यहाँ पे सब कुछ आपका अपना है। अब जैसे मेरा बेड भी पर्सनल है, मेरा कबर्ड भी पर्सनल है, साइड टेबल, स्टडी टेबल, बुक शेल्फ, सब कुछ। सो ये जो रूम है ना, इससे मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं। और मैं अपने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हॉस्टल में आई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट रूम है पर्सनल वाला। सो ये रूम से मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बिकॉज़ मैंने बहुत ही दिल से, बहुत ही अच्छे से ये वीडियो बनाया है आपके लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।